हाय फ्रेंड्स, मैं मान है, वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल एक टीज़र आया था जिसको देख के ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, वो था सावी। और वो मज़ा इसलिए नहीं आया था क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, वो मज़ा इसलिए नहीं आया था क्योंकि एक्टिंग वो बेमिसाल वाली नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर हैं दिव्या खोसला। और जो कॉन्सेप्ट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, कैसे एक डेयरिंग वुमन शायद देश की सेवा करने के लिए स्पाईगिरी करती हैं, और ये स्पाई बहुत ही एक खुफिया जगह पे जाके अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने बल दमखम से किस तरीके से इंट्रूजन करता है, और इंट्रूजन से क्या कुछ होता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसका जो पार्ट टू है टीज़र का, वो एक दिन बाद ही आ गया, तो वो प्ले करके देख लेते हैं कैसे है। जो पहला टीज़र आया था जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ही था कि ये जो वुमन है, दिव्या घोसला का कैरेक्टर है, वो मॉम भी है, तो घर भी देखना है और बाहर देश की सेवा भी करनी है, ऐसा कुछ दिखाया गया था। वो करीबन करीबन था एक मिनट का, 50 सेकेंड्स के आसपास का, ये 42 सेकेंड्स का, तो इसको प्ले करके देख लेते हैं। जेल ब्रेक करना है इनको। 31 मई को देखो, इस तरीके की जो मूवीज़ होती है ना, उसके अंदर आपको एक आलिया भट्ट, विद्या बालन, उस तरीके की मेच्योर एक्ट्रेस चाहिए होती है। यहाँ तक तो मैं बोलूँगा कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो दहाड़ में काम किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। कुछ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव मैं बोलूँगा स्टोरी लाइन है यहाँ पर। आपके पास क्योंकि पैसे हैं, क्योंकि ये टी सीरीज़ है और टी सीरीज़ की मालकिन ही है दिव्या खोसला मैडम, तो उन्होंने अपने आप को यूज़ कर लिया। हर एक एम्बिशंस होते हैं कि मुझे कुछ जीवन में बनना है, तो ऐसा डिस्करेज तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो पॉजिटिविटी ज़िंदा है कि भाई मैडम आप ये काम ना करिए। हर एक को अपना लगता है कि हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो मे बी उनको भी लगता होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो गुड लक टू हर। बट ये सूट नहीं कर रहा है, ये चुलबुले उलबुले रोल के अंदर सूट कर सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है परफॉर्मेंस देना। आपको कैसा लगा ये टीज़र कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।